एवरीबडी, बहुत सारे दिन के बाद आज मैं वीडियो बना रही हूँ. एक्चुअली मैं वीडियो बनाती रही हूँ ये ब्रेक वाले टाइम में भी, पर पूरी नहीं हुई. या फिर मैं अपने सिलाई वाले प्रोजेक्ट पे काम कर रही थी तब भी वो भी कंप्लीट नहीं हुए, क्योंकि सिलाई वाली कई चीजें मेरी कंप्लीट हो चुकी हैं, पर देन आउटडोर वाला शूट नहीं फिनिश हुआ. वो मुझे लगता है मैंने आपको इंस्टाग्राम पे बताया था या किसी और वीडियो में भी, या फ्यूचर में आने वाली किसी वीडियो में आप दोबारा से सुन सकते हैं. मैं अपने कई सारे सिलाई वाले प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ और मेरी मशीन उसमें खराब होती गई. आई थिंक आपने लास्ट वीडियो में भी सुना था कि मशीन ना मेरा साथ नहीं दे रही थी, खराब हो रही, पर मैंने किसी तरह भी फिक्स किया. पर मेरे पास मशीन का ऑयल फिनिश हो गया है और जो मेरे पास थ्रेड है वो बहुत ज्यादा अच्छी क्वालिटी के नहीं है, और यहाँ पे लॉकडाउन है और चीजें बंद है, फैब्रिक लैंड बंद है. सो आज मैं जा रही हूँ वॉलमार्ट बहुत सारे दिनों के बाद. तो मैं बहुत ज्यादा हेल्दी नहीं थी इन पिछले कुछ दिनों में, दूसरा मैं मेंटली भी बहुत ज्यादा हेल्दी नहीं थी, जिसकी वजह से मैं वीडियोज नहीं बना पाती हूँ. जब आप वीडियो बनाते हैं तो या तो मैं खुश होंगी तभी बनाऊंगी, अदरवाइज यू नो बन ही नहीं पाती वीडियो. सो आज काफी दिन के बाद आई एम फीलिंग गुड, होपफुली अब फ्यूचर में अच्छा ही फील करूंगी. आई गॉट रेडी एंड मैंने सोचा कि बाहर कुछ समय स्पेंड करती हूँ और आज वीडियो भी बनाती हूँ. सो बेसिकली मैं जा रही हूँ वॉलमार्ट मेरी मशीन का स्टफ लेने के लिए, अच्छी क्वालिटी के कुछ थ्रेड्स एंड मशीन का ऑयल और एक दो और चीजें मुझे मशीन के लिए चाहिए. वो मेरा लास्ट होगा अगर मशीन मैं फिक्स कर सकती हूँ या नहीं. अगर वो चीज करके भी मेरी मशीन फिक्स नहीं हुई तो या तो मुझे नई मशीन लूंगी मैं, या फिर इसको रिपेयर कराऊंगी, क्योंकि रिपेयर भी नहीं हो रही, सारी चीजें बंद है. आई डोंट नो ये कोरोना की सिचुएशन कब खत्म होगी या क्या है यार, दुनिया का डिजास्टर कर दिया इसने. और इंडिया की न्यूज सुन इतना ज्यादा दर डरता है, इतना ज्यादा तकलीफ होती है कि यार कितना स्केरी हो गया है. जिस इससे हम डरते थे ना, लाइक कि इंडिया की हालत ऐसी हो जाएगी, ऐसा हो सकता है, वो सारी चीजें अब हो रही हैं. सो कुछ भी कर नहीं सकते हैं, बस आप ये करें कि घर से बाहर मत निकले, ज्यादा घूमे फिरे मत, घर में रहेंगे तो सेफ रहेंगे आप भी और लोग भी. अगर आपको बाहर जाना भी है तो मास्क जरूर से पहने और डिस्टेंस बना के रखें, एक दूसरे के ऊपर चढ़े मत. बहुत मुश्किल है ये डिस्टेंस मेंटेन करना, आई कैन अंडरस्टैंड, बट प्लीज अपनी रक्षा अपने आप करें. मास्क, एक ही मास्क इनफ नहीं है, डबल मास्किंग करें और प्लीज अपना ख्याल रखें. और हम प्रेयर्स कर सकते हैं कि सिचुएशन जल्दी से जल्दी अच्छी हो जाए, इसके बिना हम क्या कर सकते हैं. वैक्सीन, अगर आप एलिजिबल हैं तो प्लीज वैक्सीन लगवा लें अपने. ये है ज्ञान कोरोना का. एक्चुअली मैं भी वैक्सीन के लिए एलिजिबल हूँ और क्योंकि मेरी हेल्थ कंडीशन की वजह से, पर मेरी डॉक्टर ने कहा है कि इनके पास अभी दोनों डोजेज नहीं है कंप्लीट करने के लिए. सो हो सकता है कि तुम एक इंजेक्शन और दूसरे के लिए तुम्हें डिले हो जाए. सो इससे अच्छा है कि तुम वेट ही करो, क्योंकि तुम बाहर तो जाते नहीं हो, सो प्रोटेक्टेड हो, इसलिए थोड़ी देर वेट करो ताकि तुम्हारा वैक्सीन का कोर्स आराम से पूरा हो पाए. सो यस, मैं वेट करूंगी और अब हम जाएंगे. Look at these guys. So, इन्होंने ऑलमोस्ट सारे सेक्शन बंद करके रखे हैं, तो लोग टाइम पास ना करें एंड सिर्फ एसेंशियल चीजें ही ले सकते हैं. सो अभी मैं अपने सेक्शन तक पहुंच ही नहीं हूँ, मुझे लगता नहीं है कि मुझे कुछ मिलेगा. Like sewing stuff. So ये वाला section बंद है. ओ प्यास, मशीन का तेल. Okay, so this is me, this is my stuff. और मैंने किसी से पूछा है, वो कह रहे कि मैं पिक नहीं कर सकती, अगर मैं पिक कर लूँगी तो फिर पे नहीं कर पाऊंगी क्योंकि ये अलाउड नहीं है. सो लेट्स गो टू अदर स्टफ. ओके दोस्तों, तो मैं वापस आ चुकी हूँ वॉलमार्ट से और मुझे वहाँ पे सामान नहीं मिला है. मैंने ये पूछा एक दो बंदियों से कि मैं अगर पे कर लूँ तो मैं पे कर सकती हूँ, शी सेड कि पे नहीं कर सकते तुम. सो यह अक्खा के सामने सामान होते हुए भी नहीं मिला मुझे, अब मुझे नहीं पता कहाँ से मिलेगा. अगर इस स्टोर की हालत ऐसी है, इन्होंने चीजें बंद करके रखी है, तो बाकी स्टोर्स ने भी ऐसी करके रखी होंगी. स्किप करते हैं उसको, बंद करके पैक करके रख देते हैं साइड में, फ्यूचर में कभी खोलेंगे अब. क्योंकि यू नो मुझे इतना ज्यादा ऐसे इसलिए क्योंकि मैंने जिस ड्रेस मैं काम कर रही हूँ उसको मैंने कटिंग करके रख ली है और कुछ पीसेस को भी रेडी करके रख लिया, जो भी मुझे उसमें करना था अब उनको अटैच करना है. अगर मैं अभी नहीं करूंगी मशीन की वजह से तो बेचारे गुम जाएंगे, तब तक मुझे मेरा आइडिया भी याद नहीं रहेगा कि मैं क्या करना चाहती थी. तो वो छोटे छोटे पीसेस को अगर आप अटैच करके रख लो फिर आपको सुकून मिल जाता है कि आपने कुछ कंप्लीट कर लिया है. सो मशीन के नहीं चलने के चक्कर में ये मेरे हाथ से जाएगा. सो ऑनलाइन खरीदने की कोशिश करूंगी मैं, नहीं तो फिर वेट करेंगे. ऑनलाइन अमेजोन से मैं कोई थ्रेड्स खरीद रही थी पर उनके रिव्यूज इतने बुरे हैं ना, माड़े हैं. ज्यादातर थ्रेड्स के रिव्यूज अच्छे नहीं है और ज्यादातर पार्ट्स के भी, और वो आते भी इतने ज्यादा लंबे समय के बाद हैं. तो यार यही बात है कि मैं इतनी ज्यादा हैप्पी नहीं हूँ ये बंद की सिचुएशन से, पर यार
जो सबके लिए राइट है वो तो करना ही चाहिए. तो इन दोनों ने एक नई गेम बनाई है, ये हिल पे ये कॉन्स रख के डैडी हिट करेंगे और हिम्मत वेट करेगा, जब सारे हिट हो गए तो हिम्मत की बात. पर यानी कि रूल तो नहीं मुझे पता, पर ना ये फालतू जी गेम. डैडी इज ऑन पॉइंट जीरो, तो इधर हिट ही नहीं कर पाने कोई. मैं जान के नहीं करता पे, मेरा अपना. सो हमारा फर्स्ट स्टॉप है कैनेडियन टायर, सो कर्ब साइड पिकअप करने वाली हूँ मैं कुछ घर का सामान. ओके गाइस, मेरी हालत बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है क्योंकि मुझे कुछ टॉयलेट्रीज चाहिए, वैक्स स्ट्रिप्स चाहिए और कितने सारा चीज़ें चाहिए सेल्फ केयर के लिए. तो मैं ऐसे ही जल्दी जल्दी से अपना फेस वॉश करके एंड टूथब्रश करके आ गई हूँ ताकि अपनी चीज़ें पिक कर पाऊँ. सो इसलिए आई एम लाइक दैट. सो मैंने सोचा कि पहले कैनेडियन टायर से सामान पिक कर लेते हैं क्योंकि उनकी ईमेल आ गई कि तुम्हारा सामान रेडी है, और उसके बाद मैं जाऊँगी फार्मेसी निकनैक्स लेने के लिए और अपना रेडी होंगी मैं मेरी ड्रेस की शूट आउट करने के लिए, क्योंकि बहुत सदियां हो गई हैं कि मैंने वीडियोस नहीं शूट की है. दिस इज एक्चुअली इजी, अंदर जाने से अच्छा कि आप कर्ब साइड पिकअप करो, आपका सामान लाके वो आपको गाड़ी में दे देते हैं, आपको उतरने की भी जरूरत नहीं. कितनी आपको कितनी वीआईपी सर्विस मिल रही है. जब ये लॉकडाउन खत्म होगा या फिर नॉर्मल जिंदगी भी आएगी तो लोगों को स्टोर में जाना इतना अच्छा नहीं लगेगा अन्नी सर्विस लेने के बाद. वाओ मिमी, यू गॉट अ न्यू साइकिल. तुमने हेलमेट नहीं मारा, दिस इज राइट. मिमी, यू वांट टू से समथिंग? आई गॉट माय न्यू साइकिल. वाओ. मैंने हेलमेट नहीं पाया, मैंने थे कारण है. हेलो एवरीबॉडी, कैसे हालचाल है आपके? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, रियली उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे. आपके घर में सब लोग अच्छे हों एंड आपके आसपास भी सारा कुछ सही हो. सिचुएशन इतनी ज़्यादा बुरी चल रही है कि आई डोंट नो कब सब कुछ नॉर्मल होगा, कब हम इस चीज़ को पीछे छोड़ देंगे और इसके बारे में बातें करेंगे. पर इतना ज़्यादा नुकसान कर दिया है इस कोरोना ने, कोविड ने, कि इसकी भरपाई तो कभी हो नहीं पाएगी. या जितने भी लोगों ने अपने प्यारे प्यारे नज़दीकियों को खोया है, आई डोंट नो. सो यस, आ गई हूँ मैं आज वीडियो बनाने के लिए. कल भी मैंने वीडियो बनाने की कोशिश की थी पर वर्ड्स ही नहीं आ रहे मेरे माउथ में बोलने के लिए कुछ. पर आज हम लोग कोशिश करेंगे कि आज का दिन ब्लॉग कर पाएं. सो अजीब गरीब दिन चल रहे हैं हमारे यहाँ पे. मई का दूसरा हफ्ता शुरू हो चुका है और ठंड रुकने का नाम ही नहीं ले रही. होपफुली आज से थोड़ा बेटर होगा. हम बाहर भी नहीं जा पा रहे ठंड की वजह से, घर के अंदर हैं, बारिश हो रही है और कोरोना से भी डर रहे हैं. और यार यू नो जिंदगी नॉर्मल नहीं है, दिनचर्या बहुत ही आम सी चल रही है. सो बस दिन चढ़ता है, खाने पीने नीनी कर दिया और सो यस ऐसी ही जिंदगी चल रही है. मैंने मेरी ड्रेसेस पे काम कर रही थी
ड्रेसेस पे काम बंद हो चुका है क्योंकि मशीन मेरी ने पूरा जवाब दे दिया है ऑलमोस्ट. सो कुछ कंप्लीट हुआ है, कुछ रह गया है. ठंड की वजह से मैं बाहर भी नहीं गई और शूट भी नहीं किया. और पता नहीं जब हम टीवी ऑन करते हैं, न्यूज़ चैनल्स देखते हैं, न्यूज़ चैनल को देख के इतना दिल दुखता है कि कोई खुशी वाली वीडियो बनाने के लिए मन ही नहीं करता. लाइक कोई मेरा एक्साइटिंग चीज़ करने के लिए मन ही नहीं करता. कि सिचुएशन है नहीं ख़राब है, कैसे नॉर्मल फील करेंगे, बहुत मुश्किल है. सो उसके चलते दुखी, सैड, एंग्जाइटी, ऐसी फीलिंग्स ही चल रही हैं. पर आज मैंने सोचा है कि उसको ब्रेक देंगे, नॉर्मल फील करने की कोशिश करेंगे हम लोग. क्योंकि जिस मुसीबत में हम सारे लोग हैं, पूरी दुनिया है, उसे तो डील करेंगे ही धीरे धीरे. पर स्ट्रेस्ड, सैडनेस को हम हमारे घर में नहीं आने देंगे यार. सो ये जैसे कैसे भी मैं तैयार हुई हूँ आज की वीडियो बनाने के लिए. सो समय हो चुका है अराउंड 12:30. करने के लिए तो बहुत काम है क्योंकि बहुत समय से बहुत सारी चीज़ें नहीं की गई हैं और इग्नोर किया गया है. पर आज मैं टैकल करना चाहती हूँ मेरी क्लॉसेट को. जो चीज़ें मैं नहीं पहनती हूँ उनको हम साइड पर करेंगे, जो चीज़ें मैं पहनना चाहती हूँ उनको क्लॉसेट में रखेंगे. बहुत बड़ा टास्क है ये. आप यहाँ पे देख पाएंगे ये लॉन्ड्री है, मोस्टली क्लीन है. सारी चीज़ों को मैंने फोल्ड करके रखा है, सिर्फ जो ऊपर थोड़े से कपड़े हैं उनको फोल्ड करना बाकी है क्योंकि मैं ट्राई करके देख रही हूँ. सो क्लोज़ेट को क्लीन करना आज हमारा टास्क होने वाला है. सो मेरी क्लोज़ेट को टैकल करने से पहले मैं पहनना चाहती थी कंफर्टेबल कपड़े. पर जब आप कंफर्टेबल कपड़े पहन लेते हैं तो आप हो जाते हैं कंफर्टेबल. कंफर्टेबल का मतलब है लेज़ी और आपका मन करता है सुस्ताने का, सोने का. सो मैंने अनकंफर्टेबल कपड़े पहन लिए हैं. तो जिसमें आती है ये प्यारी सी ड्रेस, इसके साथ मैंने बहुत अनकंफर्टेबल स्किनी जीन्स पहन ली है ताकि इस अनकंफर्ट में मुझे लगे कि ज़िंदगी नॉर्मल है, लाइक थोड़ी एनर्जी आए कुछ करने के लिए. पर ये मुझे लग रहा है कि काम नहीं आ रही है, स्टिल मेरा सोने के लिए मन कर रहा है. Hi guys, no, I didn't see you for 2,100 years, 1,000,000,000 years, and this is my class. I'm almost done. Yeah. This is the time an hour. Guys, I love Morty. Look, one is here, and another one next to it. Now this one next to the empty one is really to this one. Do you know? In my class, we are learning about Eid and the ant. And if you celebrate Eid, then happy Eid, guys. Happy Eid. तो आज है हस्बैंड कुकिंग इन अ किचन. इवनिंग मरिया, सारे गले पे आज प्लानिंग किया है. अब प्याज तो एकदम पोले पोले जिदा तेरा बाला का जूड़ा होता. सो हमारे व्लॉग की शुरुआत होती है हस्बैंड इन किचन. हस्बैंड, व्हाट यू डूइंग? मैं एक कड़ी बनाने लगा हूं. बहुत चेहरा हो गया, कुछ अच्छा मैंने खाया नहीं, मेरी जुबान स्वाद भूल गई है. गाइस ये एग करी बनाने हैं, एनी डिलीशियस बिरयानी ना खाएंगे. बिरयानी जो माइनस कर दा मैं तो डिया की करी कहना खाओगे. तो टमाटर बेस बनाऊंगा मैं. टमाटर बेस की बननी है, अनियन डालनी है. जहाँ पे भी आप कटिंग करते हो प्लेटफॉर्म पे, उसी के साथ ही गंद डाल दे करो. जल सफाई करने की जरूरत है, ठीक है? I'm gonna end up pushing you away. But I've always got this.
you call them trust issues. Cause I never, never had them before I met you. So scared you bring my... बहुत समय हो गया कि मैंने वीडियो नहीं बनाई है. वीडियो बनाने की कोशिश मैंने बहुत बार की. अगर मैं आपको दिखा पाऊँ, आप देखें कि कितनी बार मैंने कैमरा ऑन किया, मुझसे बोला ही नहीं जा रहा है. लाइक जैसे हम टीवी देख रहे हैं, इतनी ज़्यादा एंग्जाइटी एंड परेशान हो रहे हैं ये न्यूज़ सुन सुन के कि क्या चल रहा है इस दुनिया में. आज मेरा प्लान था कि बाहर जाएंगे आज, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल दिन है. बाहर जाने का प्लान है. मैंने हमारी जो नियर पार्क है उसको बुक कर लिया था हिम्मत के स्कूल के बाद. सो फिर मैंने प्लान बनाया कि कुछ खाने के लिए बनाया जाता है, हम वहाँ पे पिकनिक मनाएंगे और डिनर करेंगे. हम एक ही मील खाते हैं पूरे दिन में, बाकी दिन हम सिर्फ फ्रूट्स या नट्स खाते हैं या चाय पीते हैं. मील हम एक ही कर दिया, हमने तीन मीलों को कट कर दिया है, सिर्फ एक ही मील खाते हैं. मैं कोशिश करूँगी कि वीडियो बनाऊँ व्हाट आई ईट इन अ डे, उसमें मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं क्या क्या खा रही हूँ. सो मैंने सोचा कि कोई राइस डिश बना लेते हैं, लज़ानिया बना लेते हैं या कुछ भी. सो मेरे पास राइस डिश के लिए इन्ग्रीडियंट्स थी सिर्फ वेजिटेबल्स लाइक आलू मटर गाजर गुजर ये वो. तो मैंने सोचा बिरयानी बनाते हैं, वेजी बिरयानी बनाने की ट्राई करते हैं सेम तरीके से जैसे हम चिकन बिरयानी बनाते. सो वो बनाते हैं हम फिर. लेट्स डू दैट. आई नो योर गर्ल लाइक यू नो मी, लेट्स रन अवे टुगेदर, गो एंड लिव बाय द सी. आई नो अ प्लेस एंड इट्स प्रीटी फार अवे, वेयर वी कुड leave tomorrow and be there by Saturday. Well, it is pretty simple, but that is all we need. We would have each other and live off the coconut seed. I know you love the ocean and you love the sun. We could take our clothes off and have some fun, and we'll grow old like two leather bags. Leave footprints on the beach as we walk through the sand. We'll grow old like two leather bags. Let the sun kiss our skin as we run hand in hand. The bags leave footprints on the beach as we walk through the sand. Yeah, we'll grow old like two leather bags. Let the sun kiss our skin as they run hand in hand. Yeah, what are we waiting for? What are we waiting for? We could have it all. We could. We could have it all. When will we let go? When will we let go of all the little things that put our dreams on hold? What are we waiting for? What are we waiting for? We could have it all. We could. I don't think I'll ever fall in love with you, baby. I don't think I'll ever fall in love with you. But we're going through the same shit, just a different person. You keep me above the surface. It's hard, but I keep on learning from you. I hate feeling so uncertain. She left and I keep on searching. But I can tell there's someone hurting you too. Lay me down slowly. Careful, I'm falling apart. Maybe just stay here. Stay here through the night. Lay me down slowly. Careful, I'm falling apart. Maybe just stay. Stay until I'm fine. It's never real until you feel like she got someone new. It's hard to deal when someone else is loving her by you. And when you hold me this way, it just don't feel the same. I'm telling you it's better if we don't get attached. And when we're better, we'll know it's time to move on to the next. ऑल राइट दोस्तों, तो बिरयानी बन गई और मैं बहुत ज़्यादा थक गई और मैंने सोचा कि खा के ही जाएंगे, पैक करके ले जाने का मन नहीं था. तो हम लोगों ने खा लिया है और बिरयानी मज़ेदार नहीं बनी, मुझे अच्छी नहीं लगी.
और मैं 4-5 चम्मच से ज़्यादा खा नहीं पाई हूँ, फिर मुझे भूख लगी है अभी भी, तो मैं कुछ खाऊंगी नहीं। अब मैं पीने वाली हूँ चाय या कॉफ़ी, और उसके बाद होपफुली हम जाएंगे वॉक करने के लिए, हाइक करने के लिए। एंड हस्बैंड बिजी है, उनका कोई दोस्त आया बाहर। सो बिरयानी मेरी छाँव पे खड़ी नहीं उतरी, बकवास बिरयानी बनी, बकवास। फूड को अभी बुरा बुरा क्या बोलते जाएं। सो खा लेंगे जैसे कैसे भी, पति को खिला देंगे। डैडी गाइस वी आर आउटसाइड एंड वी आर गोना हैव सम आउटफिट एंड लुक एट डैडी। व्हाट्स इन योर बैकपैक? ओह अ बॉल एंड सम स्नैक्स। स्नैक्स वाइज आई पुट राइस क्रिस्पीज एंड सम स्टफ। बाय। प्यारी टूट गई ना जे, तो फिर तेरी हड्डियां टूटन गियां, फिर खुश हो जाएंगी। नो बहुत ज्यादा मजेदार सुहावना मौसम है। सो नेचर में समय स्पेंड करके बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलता है, आपको ऐसा फील होता है कि आप इसी जगह को बिलोंग करते हैं, एक अलग से नई एनर्जी आती है आप में। सो प्लीज़ कुछ समय नेचर में ज़रूर से स्पेंड करा करें एंड आप बहुत अच्छा फील करेंगे। एक बार आप बाहर चले जाएं, बाहर जाने तक क्या होता है कि लेज़ी फील करते हैं, पर जब बाहर चले जाते हैं तो आपको बहुत मज़ा आता है, आप रिकनेक्ट करते हैं अपने आप के साथ। सो इसी तरह मेरे कुछ दिन बहुत ही ब्यूटीफुली बीत गए। सो इस व्लॉग के लिए बस इतना ही, उम्मीद करती हूँ आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। इस व्लॉग में आपने देखा होगा कि कितने बार मैंने कोशिश की है व्लॉग करने की, पर मैं बोल ही नहीं पा रही थी। और ऐसे एक्चुअली होता है कई बार कि आप कोशिश करके भी कोई चीज़ें कर नहीं पाते हैं, तो इट्स ओके, सम डेज ऐसे आते हैं, उसको वैसा ही रहने दें एंड दोबारा से ट्राई करें। आपको अपने आप को बैड फील कराने की या सैड फील करने की ज़रूरत नहीं है, कई बार चीज़ें आपके तरीके से नहीं होती हैं, पर हम दोबारा से करेंगे। सो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी बहुत ही ज़्यादा नेचुरल और ट्रू, जो कई बार कैमरे के इस तरफ होता है, पर हम दिखाते वही हैं जो दिखाना चाहते हैं, पर ऐसे भी होता है कई बार कि आप करना चाहते हैं कुछ पर नहीं कर पाते हैं। सो यस, आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही, उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है और मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, मुझे मेरे सोशल मीडिया पर फॉलो करें एंड बेल को ज़रूर से क्लिक करें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। बहुत सारी वीडियोस लाइन अप हैं, अब मैं एडिटिंग मोड में चल रही हूँ, एडिट कर रही हूँ। सो कोशिश होगी कि जल्दी जल्दी वीडियोस आती रहेंगी एंड
ज़्यादा अपना ख्याल रखें दोस्तों, सिचुएशन बाहर इतनी अच्छी नहीं चल रही है, प्लीज़ अपना ख्याल रखें, घर में रहें, सेफ रहें। और अगर आप मेरे साथ कुछ भी शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट बार में छोड़ सकते हैं या मुझे मेरे सोशल मीडिया पर मैसेज कर सकते हैं, मुझे आप लोगों से बातचीत करना बहुत अच्छा लगता है। तो मैं मिलूंगी नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और बिल्कुल मत भूलें दोस्तों, यू गाइस आर ब्यूटीफुल द वे यू आर, स्टे हैप्पी कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रांग, यू गाइस कैन डू एनी फ्रीकिंग थिंग, ऑल यू हैव टू डू इज थिंक अबाउट इट एंड टेक एक्शन, दैट्स इट, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, आई लव यू।